अक्सर हम लोग पिक्चर देखते हैं और पिक्चरों में एक लम्ब तलग इंसान को देखते हैं जो बड़े घोड़े पर सवार होकर काला चश्मा पहनकर घुड़सवारी करता है। तो इंतफाक से आज हम लोग कुंडा में हैं और कुंडा में जब मैं आया तो उस आकृति को मेरे दिमाग में एक प्रकार से चस्पा कर दिया गया कि ये क्षेत्र राजा भैया का है, क्योंकि इस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ से विधायक हैं। और जो मैंने पिक्चर की आपसे बात करी, अक्सर उनकी कुछ फ़ोटोज़ वायरल होती हैं जिनको लेकर कहा जाता है वो यहाँ के रॉबिन हुड हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत आम सी यहाँ पर जनता है, ये गाँव है, खलिहान है, यहाँ पर कुछ टाऊ हैं, महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं। इनसे मैं बात करूँगा, जानूंगा कि क्या इनके मुद्दे हैं, इस बार वो राजा भैया को चुनेंगी नहीं चुनेंगी, अगर चुनेंगी तो क्यों चुनेंगी, राजा भैया यहाँ से विधायक रहे उन्होंने आखिर इनके लिए क्या किया। और एक रोचक बात बोलूँगा, पीछे एक तालाब भी है। जब मैं गाँव में एंट्री कर रहा था तो कई लोगों ने कहा यहाँ पर छुटका मगरमच्छ रहता है, लेकिन हंसकर बोले कुछ नहीं रहता है, मजाक कर रहे थे, केवल अफवाह है। तो इन सबसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि परसों ये लोग वोट देने जाएंगे क्या इनके मुद्दे होंगे। और खास बात यह है कि यहाँ पर यादव बहुल लोग ज्यादा हैं और इनके प्रतिद्वंदी यानी राजा भैया के जो प्रतिद्वंदी हैं वो गुलशन यादव जी हैं। आप सभी को राम राम, क्या हाल है आप सबके? बढ़िया दीदी, राम राम, कैसी हैं आप सब? चलिए पंडित जी से श्री गणेश करते हैं। राम राम जी, आपकी डिमांड ज्यादा आ रही थी, क्या माहौल है भैया का? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है जी, राजा भैया के पक्ष में। गुलशन यादव तो कह रहे हैं हमारा माहौल इस बार हम जीतेंगे। अब ये तो 10 के बाद उनको मालूम होगा कि किसने जीते हैं, कितने से जीते हैं, कितने नहीं। कुछ दिन पहले तो अखिलेश यादव भी यहाँ पे आए थे, कह रहे थे कुंडी लगा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब कि अखिलेश यादव क्या है, अब उनके कोई भी हो उनमें दम हो तो आके हमारे राजा भैया के सामने लड़ लें, अखिलेश स्वयं आकर के लड़ लें, देख लें वो स्वयं उनके कार्यकर्ता या उनके वो नेता की बात हो, वो खुद ही आकर के यहाँ लड़ लें तब भी देख लें। मैं गुलशन यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं उसको माइक पर नहीं लाऊंगा। आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं? आप लोग अधिकतर यहाँ पर यादव समाज के भी हैं, आप लोग कैसा देख? मैं नहीं जानता उसका, मैं देखा ही नहीं कभी ऐसा। गलत बात उन्होंने की है जो कि मतलब ये बिल्कुल सामाजिक स्तर की बहुत ख़राब है, बहुत ही गलत बात उन्होंने की है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये मर्यादित भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया उन्होंने और ये किसी भी प्रत्याशी के लिए, मतलब गुलशन ही नहीं कोई भी प्रत्याशी इस तरह की बात करता है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम चौधरी यादव है। चौधरी यादव, हाँ। तो आप बाने में, तब तो आप उनको गुलशन यादव को सपोर्ट करते हैं? हम उनका जन्म नहीं चिन्हबे नहीं करे, हम राजा के अलावा क्यों जानी तो नित नाही। यादव है चाहे पर जाओ हमसे, उससे क्या मतलब है? तो गलत बात नहीं, गलत कहा से आप बतला था, राजा हो या पर जाओ हमसे क्या मतलब, हम उसको चीनते नहीं, हम प्रॉपर राजा भैया को जानते हैं और उनको आज दिन तक वोट देते हमारे आजा पुरखा दे चले हैं। जब तक जब नेता है अखिलेश यादव ना, हम राजा के साथ हैं, उनको हम नहीं जानते हैं। हाँ, राजा के अलावा किसी को जानते नहीं, आकाश में ऊपर वाला भगवान है, नीचे राजा भैया है, बकिया बीच में कोई जन्म पैदा नहीं लिया है। ठीक, जो कहते हैं कि जातवाद है, जातवाद जो कहते हैं उससे ज्यादा नालायक कोई नहीं संसार पर, जातवाद से अकेले सिर्फ विधायक ही बन जाएंगे, आन जात कहाँ चली गई, इनको कुआं में डाल दिया गया, कहाँ गए आन जात, एक जा ये अकेला चना भाड़ फोड़ तक नहीं सकता। ठीक, राजा भैया जो ऐसे इंसान हैं कि हर जाति को लेकर साथ बराबर चलते हैं, ठीक, उसके अलावा चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर हो या लड़ाई हो झगड़ा हो, आधी रात की 1 बजे रात की उन्होंने अगर सूचना मिलती है तो उन्होंने पहुंचते हैं। हर शादी विवाह में 25,000 से 20,000 तक रुपए स्वयं अनदान करते हैं, तो उनको जानेंगे कि जो एक रुपया 200 माना ना चढ़ाई ओका के जाने बतावा, जो दुआरे कबो ना ओका क्या जाने। आप तो भैया इतनी कहानी बता रहे हैं, जब अखिलेश भैया को सुनते हैं वो तो कह रहे हैं कि इस बार आप लोग आजादी के लिए वोट डालिएगा, मुक्त हो जाइएगा। अखिलेश भैया वही भीतर में बैठा रही है, गरज पड़ी तो काल आने छुंगा माँ और कबो शकल दिखा ने। राजा भैया साल के बारह महीना प्रॉपर लखनऊ जाते हैं, हर 8 दिन बेटी आते हैं, अमीर गरीब का सबका जनता का सुनते हैं। ताऊ ताऊ रुक जाओ, रुक जाओ, इनको बोलने दो। और किसी का इनको बोलने दो, यादव जी को बोलने दो, बहुत भावुक हो रहे हैं, बोलने। और बताइए कोई सांसद विधायक आता है इस तरह के जनता के बीच में, नाली का, नापदान का, डांड़ का, खेत का, बहन मतलब बहन बिटिया के छूटी छूट वही, कोई फैसला आज तक कोई विधायक करा हो तो सामने आके बतलाए, कोई किया? इतना कुछ किए हैं, अरे एक मिनट, जब इतना कुछ किए हैं तब अखिलेश यादव ये क्यों बोल रहे हैं कि एकदम मुक्ति करा दी, आजाद करा दिए? अपने आजाद और मुक्ति का सोचे हैं, यहाँ के ना सोचे हैं, कुंडा और बाबागंज के लिए वो सोचना पड़ेगा उनको कि मैं एक कोट यहाँ से उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं स्वयं आके कुंडा विधानसभा और बाबागंज से स्वयं लड़ ले राजा के सामने।
तब उनको तमाशा दिखा दिया जाएगा कि आप अखिलेश हैं कि राजा भैया हैं, सामने दिखाएगा उनका औकात में आ जाएंगे उस दिन, जो आज जातवाद की कर रहे हैं, गपर गपर बोल रहे हैं। भाई वो तो गुलशन यादव को टिकट दियो, कह रहे गुलशन गुलशन होगा, गुलशन गुलशन है, गुलदस्ता बने, हम सोचे मतलब नहीं, हम राजा भैया को जानते हैं, गुलदस्ता क्या है, जो गुलदस्ता बनाने वाला है ही नहीं है, पृथ्वी पर नेता ने कटहरा नेता पेता क्यों नुआ, और वो सीखे ने कहा से चड्ढी पहने सीखे ने कहा से, राजा भैया हाँ हम बताओ तो आप सुनो का राजा भैया से सीखे ने, संडो बनियाने पहने के नहीं मिलते हैं राजा भैया से कहने, पेट भर भोजन करके नहीं मिलता है राजा भैया से, सब कुछ देने आज चोरी कर के आज वो नेता बनी है, कौन सी चोरी कर दी है गुलशन का चोरी कहा है नहीं के यादव का मार के आज यादव सोट ले ली है, यादव को ही मार के आज वो वोट लेगी यादव का, यादव को ही मार के कहानी है, ये क्या कहानी है, नहीं कहानी है बताइए हम तो जाने ना, कहे जो आज तक जो जो किए यादव ने मारा, राजेंद्र यादव को इन्होंने मारा, राजेंद्र यादव को इन्होंने मारा, तो यादव कोर्ट कैसे पाएंगे, आज गर्ज पड़ी है यादव को मार के यादव कोर्ट लेंगे, ये तो कोनो सवाल नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, राजा के सिवा यहाँ कोई वोट नहीं होगा। अच्छा, मैं थोड़ी यादव जी से और बात करूंगा, काफी विस्तार पूर्वक बात कर रहे हैं, मैं अखिलेश यादव जी को देखता हूँ और एक तरफ नेताजी को देखता हूँ, नेताजी और राजा भैया में काफी अच्छे संबंध रहे, बहुत ज्यादा घनिष्ठ रहे, इस पीढ़ी में क्या हो गया कि एकदम अखिलेश जी से बन नहीं रही है, नेताजी के इतना ज्यादा समीप थे, आप भी यादव जी आप भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, ऐसा कहे नेताजी में ये जातवाद का नाम चीज नहीं है, ठीक, आज जो राजा भैया से उन्होंने गला लगा के रखा है, और वो मुलायम सिंह ने जान रहे हैं कि राजा को वहाँ के जातवाद नहीं, हर जात के लोग वहाँ राजा भैया को जानते हैं, और राजा भैया के अलावा कोई वहाँ दूसरा राजा है नहीं, इसलिए मुलायम सिंह राजा भैया को गले लगा के आज तक रखे हुए हैं, और अखिलेश के आबे अभी क्या जानते हैं, अभी लुबुर लुबुर कर रहे हैं, जैसे बिली से निकली लोखड़ी हो, बिनसार बली बिल खोदी, गाड़ी में घाम लग बलाई मोर खोदी, वही भी वो इंसान वो है, अखिलेश वही इंसान है, दूसरा कोई नहीं है, जब ठंडी पड़ती है रात में तो लुक 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 रे डाले लुक 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 ये डांस कर रहे हो है? ठीक तब करती है, जो घाणी में घाम लग गया तो कहती है मैं क्या खोदूंगा, नहीं खोदूंगा, आज अखिलेश गर्ज पड़ी है तो कुंडा विधानसभा है, और सुख दुख में किसी के आए नहीं आए ना, काहे नहीं आए, काहे नहीं आए, राजा तो प्रॉपर हफ्ता में लखनऊ जाते हैं, उसके बाद दो दिन तीन दिन पाँच दिन बैतीस में ग्राम सभा लगा के बैठते हैं, घर घर एक एक चक्रोट चक्रोट नाली पूरा पूरा फैसला करते हैं, वो राजा भैया की नियत ये रहती है कि गरीब आदमी हमारे कोर्ट में न जाए, कचहरी में न जाए, थाना में न जाए, पैसे पैसा न जाए न होए, जो पैसा खर्चो यहीं समझौता करा के हमसे ले ले पैसा, के छोटे सरकार हैं है? कुंडस में बहुत लोगों की सहायता करते राजा, छोटे सरकार सबसे बड़ा सरकार राजा भैया है, सबसे बड़ा, तो मतलब आप गुलशन गुलशन नहीं करेंगे, गुलशन नहीं पुलशन हम कहा जाने उनका पूछो दिन का, गाली नहीं गलत बात नहीं बिल्कुल, अरे हमसे नाम ना ले, अरे भैया मुझ पे क्या पड़ रहे हो, आपने हम उनको जानते नहीं तो उनके नाम कैसे आप हमसे लेने, अरे मैं बात कर रहा हूँ मुझ पे आई, हम उनको नहीं जानते, सीधी बात है, मतलब ये देखिए ये भी यादव जी वो भी यादव जी और नाम लेकर करंट मारे दे रहे हैं, बताओ जैसे आज तक कोई यादव के नाम पर कोई रतौंधी गोली का पैसा नहीं मिला या किसी के बहन बेटी में नहीं दिया तो कहाँ से जात नाम रह गया, राजा भैया देते हैं, महिला तारीफ कर रही थी शादी ब्याह में पैसा मिला, तो किसकी तारीफ कर रही थी, राजा भैया, हाँ तो राजा भैया तो हम बात करते ही, आज अगर रतौंधी गोली कहूँ दे होते गरीब दुखिया का तो कहते ना कि हाँ गुलशन नहीं, राजा के अलावा कोई दिया है, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया, मतलब गांव में अगर आग लग जाती है कुछ हो जाती है हर सुविधा चाहे 12 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, लेकिन राजा भैया को बड़े अंतर से जिता रहे हो, राजा भैया के अलावा यहाँ कोई जीते उठेगा नहीं है, एक भाई साहब मैं आपसे थोड़ा आगे करूंगा, आप आगे आ जाइए, नमस्कार, अरे आइए, इन्होंने तो काफी उत्साह भर दिया और ये इतना नाराज हो गया, मुझे लगा मुझे भगाई देंगे अभी, ये है नमस्कार, भैया का विरोध कोई नहीं सुनना चाहता, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था, क्या हाल है आपके, हम ठीक बढ़िया है, मैं अखिलन पांडे करेटी से, पांडे जी करेटी से, क्या माहौल है भाई कुंडा, मेरे गांव का वो प्रत्याशी है, मेरे गांव से वो प्रत्याशी है, अच्छा नाम नहीं बताएंगे, अरे वो प्रत्याशी है, हाँ जी सपा का, नहीं जनता ने बताई है का भैया, सपा का प्रत्याशी है, रही बात आप राजा भैया के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनके पुराने पुरखे भी गवर्नर थे, उनकी बोली भाषा क्या है, कुंडा से लखनऊ जाना हो, लखनऊ से कुंडा आना हो,
एक सड़क से नहीं आते जाते, जब अपने ज़िले में घुसते हैं तो दूसरी दूसरी सड़क से आते हैं जाते हैं, कि हर बार अलग अलग लोगों से मुलाकात हो, रोक के मिलते हैं, सड़क पर निकलिए रोक के मिलते हैं। अब आप और जौनपुर जी, मैं आपसे, आपने कहा आप उनके गांव के हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे बात करूंगा, उनके गांव के हैं तो मुझे आप अच्छे से बताएंगे, इतना अलग अलग नाम अलग लें। क्या नाम नहीं, नाम मत लिए, इतना अलग काहे हो गया। मैं अभी कुछ दिन पहले उनको सुन रहा था, कह रहे थे हम सब एक घर में थे, उन्होंने अपना नया घर बना लिया, ये नया घर पुराना घर, ये घर की क्या क्या बातें कर रहे हैं? घर नहीं, पार्टी का फर्जी मार्कशीट बनवाया है किसी स्कूल से, सपा प्रत्याशी यहाँ का कुंडा का किसी स्कूल से फर्जी बनवाया है मार्कशीट, कह रहा है हम भी सुने कि मैं किराना की दुकान चलाता था, कहाँ चलाता था किराना की दुकान, उसी बाबूगंज रेलवे फाटक पर पहले गाड़ियाँ सिलेंडर आती थी, वहीं रोक के ड्राइवरों को खिला पिला के दो सिलेंडर उतारता था, उसी को बेचता था, ब्लैक करता था। चाय की दुकान तो एक बहाना था कुंडा में उसका, चाय की दुकान एक बहाना था, पट्टा काट लेना रेलवे का, बेचना कोयला उतार के बेचना, यात्रियों का पर्स मार देना। गंभीर आरोप लगा रहे पांडे जी आप। मैं लिखित दे सकता हूँ, क्यों उसके ऊपर इतने मुकदमे क्यों हुए? जब बड़ा हुआ एक से दोनों भाई, कितने मुकदमे लिखे गए, कितने चोरी किया, आज ये बताइए उसके नाम की संपत्ति कितनी है, कहाँ से आई, क्या क्या आमदनी थी उसकी, क्या आमदनी थी? कुल मिला के कहने का मतलब है राजा भैया ने उनको बनाया, ठीक है, इनकी बड़ी डिमांड आ रही, थोड़ा इनसे बात कर। नमस्कार, आइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। बढ़िया, क्या काम धंधा करते हैं? अभी तो हम ग्राम की सेवा, गांव सभा की सेवा करने लगे हैं। सेवा कर रहे हैं जी सर। और आपके जो सेवक है यहाँ के, एक मिनट पंडित जी, यहाँ आपके जो सेवक हैं विधायक जी, ये बड़ी तारीफ कर रहे हैं, यादव जी तो एकदम डांस कर दिए कि हम तो भयंकर जिताएंगे। जो चीज़ बोले वो गलत नहीं बोले, वो शुद्ध और सही बोले, कोई गलत नहीं। पहली बात तो जो विपक्ष में माननीय जी के है, बोलने का तरीका नहीं है। और माननीय जी आज तक जब से चुनाव का प्रचार हुआ, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला कि किसी को बुरा लगे। जितनी बात बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, और उनके पास कोई व्यक्ति अगर जाता है तो कभी कोई भी मसला होता है तो पहले हल कर देते हैं, वहीं पर हल हो जाता है, कभी किसी को कोई दुखी नहीं करते। इसलिए माननीय जी एक सूझबूझ के प्रत्याशी हैं और जनसेवक हैं, जनता का सुनते हैं। वो हमारे ग्राम सन 2093 लड़ाई हुई थी, लगभग उन्होंने अगर वो ना होते तो हमारा गांव यहां ना होता, उजड़ कर दूसरे देश चला। ऐसा क्या हो गया था, दूसरे देश का जा रहा था? अरे इतनी भयंकर लड़ाई थी, हम छोटे छोटे थे, तो जेल से उन्होंने हम लोग को बरी करके यहां लाए, तो उनका मैं बड़ा आभार करता हूं, उनका जनसेवक हूं। हमारा गांव पूरा अनुभव तरीके से उन्हीं को वोट देगा, हाँ, कोई बाहर नहीं जाएगा जी, और राजा के सेवक हम भी हैं। मैं थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा, सबसे व्यापक तौर पर बात हो रही है, कहानी का खैनी किस रहे हैं का, ये बताइए, आपसे मेरी बात अभी हो रही थी, ठीक है, आपने अखिलेश जी को कोट करके कई बातें करी, एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है, और एक तरफ गुलशन यादव जी हैं, बड़े नेता वो भी, सब कुछ ठीक, और आप तो खुल के बोल रहे उनका हम सपोर्ट करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, तो भैया थोड़ा बहुत आशीर्वाद कह नहीं दे रहे हो, एकदम गुस्सा ही हुए जा रहे। हम कहा जो हमें मुड़वा बरवा एक को बरवा बराबर आशीर्वाद नहीं ना भैया, हम बताते हैं, आप उनकी हम बताते हैं, कुंडा का यादव अखिलेश जी से क्यों नाराज है? क्यों? देखिए माननीय मुलायम सिंह जी राजनीति में थे, पार्टी उनकी बनाई हुई थी समाजवादी, हमारे ये अखिलेश जी जिनको टीपू भी कहते हैं, इन्होंने नेताजी को साइड करके कब्जा कर लिया, जबकि हमारे माननीय राजा भैया जी कई बार मुलायम सिंह जी के साथ मंत्री रहे, उनके सहयोग में रहे, उन्हीं के साथ राजनीति करते थे, और ये अखिलेश जी छोटे से हुआ करते थे, माननीय जी की उंगली पकड़ के चला करते थे। अभी 2-3 महीने पहले यहाँ प्रतापगढ़ आए थे अखिलेश जी, तो पत्रकारों ने इनसे सवाल किया कि राजा भैया के विषय में आप कुछ बोलिए, इन्होंने साफ कहा कौन राजा भैया, दुख हुआ था, कौन राजा भैया, दुख हुआ था आप लोगों को? अरे इतना दुख हुआ उसी वक्त से कि देखिए जो उंगली पकड़ के इनको चलना सिखाया राजनीति में, उसको बोल रहे हैं कौन राजा भैया, तो दुख नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो कुंडा का यादव इस बार अखिलेश जी को बता देगा कि कुंडा का यादव किसके साथ है, राजा भैया जी के साथ है। पहली बात तो बोलने का तरीका नहीं है, जो भी और जो यहाँ प्रत्याशी दिए हैं वो बोलने का तरीका नहीं, यादव हैं, कहते हैं हम यादव हैं, गुलशन हैं, क्या हैं, वो तो नाम नहीं ले रहे थे, ठीक है, नाम नहीं ले रहे थे, वो भी इसी क्षेत्र के हैं, यहीं बगल गांव के हैं, मऊदारा के,
लेकिन अब वो वहाँ से निकल गए, ठीक है अलग हो गए, तुम अपने चले गए उनकी पार्टी में, तो किसी के प्रति इतना अपमानजनक शब्द बोलना, अब ये चुनाव है हम कुछ नहीं बोलेंगे। भाषा का प्रयोग तक नहीं किया, मतलब तो अच्छा नहीं लगता है, जनता देखती है और बच्चे भी खड़े हैं। नेता कह रहे हैं कि मैं नेता बनने जा रहा हूँ, इनको कह रहे हैं विधायक थे, क्या वो विधायक बन गए, क्या वो बन गए क्या, 10 के बाद पता लगेगा ना विधायक कौन बनेगा। तो कम से कम भाषा तो मर्यादित होनी चाहिए, हम यादव हैं, हमारा संस्कार तो कुछ होना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे होते, उनके माता पिता अच्छे होते, अच्छे संस्कार दिए होते, तो कम से कम उनकी भाषा तो अच्छी होती। द्वंद क्यों हो गया पहले साल, ये तो कह रहे थे सब कुछ चलना फिरना साथ हुआ, इतना अलगाव फिर क्यों हो गया? अलगाव लूट घसोट करने लगे, अब उनको वही है लूट घसोट चाहिए, लूट घसोट। हम लोगों के यहाँ ऐसा संस्कार नहीं, हम लोग सेवक है जनता की, जनता की सेवा करने वाले हैं, जनता की सेवा करने वाले हैं। माननीय राजा भैया जी 97 से यहाँ के विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे, सभी सरकारों में रहे, बसपा की सरकार में, भाजपा की सरकार में, सपा की सरकार में, तो जनता का प्यार बराबर है उनके साथ, जनता के बीच क्यों आ गया इतना, ये बताइए इतना अलगाव क्यों आ गया, मतलब कल को साथ चलने वाले उनकी जय बोलने वाले। हम बता रहे हैं ना वही जो उनके लीडर हैं अखिलेश जी, उनको ये नहीं पता है उन्होंने क्यों कहा यहाँ आकर के प्रतापगढ़ की कौन राजा भैया, परसों बोल दिया कुंडी लगा दो आजादी के लिए, और वही राजा भैया हैं, वही राजा भैया हैं जो अखिलेश जी की सरकार, एक डर और हो गया कि पहले सरकारी टोटी खोल लिए, अब गांव की कुंडी खोल ले जाएंगे, अब तो ताकना पड़ेगा। नया आरोप लगा रहे हैं, एकदम लगा रहे हैं, जब टोटी खोल लिए अब गांव की कुंडी खोल ले जाएंगे, यही धमकी देंगे तो वोट पाएंगे। यहाँ तो सकरी भी नहीं लगती, बता दीजिए उनको अखिलेश जी को कि यहाँ कुंडी उंडी नहीं है, यहाँ राजा भैया हैं, राजा भैया कुंडी उंडी ताला वाला यहाँ नहीं लगता, खुला दरबार है यहाँ, खुला सोते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। जो चोर थे उनको राजा ने निकाल दिया, अब यहाँ चोरी वोरी नहीं होगी ना, होती होगी, पहले चोरी होती थी, हाँ तो अब चोरों को निकाल दिए, अब कुंडी उंडी की यहाँ जरूरत नहीं, कुंडी रहबे नहीं करेगी। हाँ 93 के बाद यहाँ की जनता, ये अखिलेश जी को बता दीजिएगा, हाँ कि अखिलेश जी आपको सुन लेंगे, आप जो बोल रहे हैं आप, कि यहाँ कुंडी उंडी की जरूरत नहीं है, यहाँ राजा भैया है, सब खुला है दरबार, हाँ यहाँ पूरा एकदम खुला दरबार है राजा का। अच्छा, मैं एक व्यापक तौर पर चर्चा आप लोग से और करूंगा, ठीक है, एक मिनट ठीक है। अब और भी नौजवान साथी आ गए, आप लोग काफी पुरानी घटनाएं बता रहे हैं, जब मायावती जी का जिक्र आता है, ठीक, और राजा भैया का जिक्र भी होता है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि दोनों में आपस में बनती नहीं है, और जब राजा भैया को कारागार भेज दिया गया था, ठीक है, तो ये कहा गया कि जो यहाँ की जनता है, कुंडा की जनता है, उसको बहुत दिक्कत आई थी, बहुत परेशानी आई थी, एक सेकंड अभी आऊंगा, ठीक है, बहुत दिक्कत आई थी, तो मायावती जी से क्या कुंडा की जनता कोई कनेक्शन नहीं है का, और क्या आप लोगों को दर्द हुआ था जब उस समय जेल भेजा गया था? जब यहाँ के लोकल प्रत्याशी को लोग नहीं जानते तो उनको क्या जानेंगे, जब लोकल प्रत्याशी को नहीं जानते यहाँ के लोग तो उनको क्या जानेंगे। राजा भैया जो जेल मैं जो सवाल जाना चाहिए, जो विकास की गति होती है, खाता यहाँ कभी खुला क्या, उनको लोग क्या जाने, बताए यहाँ कभी, आज तक जब से चुनाव हुआ मायावती खाता यहाँ नहीं खुल पाया है, समझे, और मायावती उससे जो है चिढ़ करके राजा भैया के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगा करके उनको इस तरह से हरस किया। मतलब मैं कि जब इस दौरान वो नहीं थे, जैसे कई लोग महिलाएं तारीफ कर रही थी, कह रही थी काम हुआ है, आप लोग भी कह रहे हैं कई काम हुआ है, तो विकास की गति रुक गई थी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, विकास राजा जहाँ है, राजा तो सागर है, सागर अनंत है, चाहे जितना गलत बोलिए वो पी जाते हैं, और यहाँ जात बात का नाम नहीं है, यहाँ राजा भैया है, गार्जियन राजा भैया, हमारे गार्जियन राजा है, चाहे जिस जात का हो। पंडित जी क्या बोल रहे हैं? राजा भैया के प्रताप में प्रकाश है, राजा भैया के प्रताप में प्रकाश है, औरों में शाम है, इस क्षेत्र की जनता का ये खुला ऐलान है, आरी निशान तुमको सतसत प्रणाम है, बाकी निशान वाले तुम्हें खाली सलाम है, खाली सलाम है, कुछ ना दी, खाली सलाम दे दिए, आरी निशान तुमको सत्सत प्रणाम है, बाकी निशान वाले तुम्हें खाली सलाम है, खाली सलाम है। आप एक मिनट, इनसे तुम्हें बात 2 मिनट करूंगा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, ठीक है, आप तो राजा भैया को छुटपन से देखे होंगे, ठीक है, महिलाएं भी इतनी तारीफ कर रही हैं, ये सब भी तारीफ कर रहे हैं, और तो एकदम गुस्सा हो गए कह रहे हम तो जाना तो नहीं है, ठीक है यादव जी, ये बताइए आप तो शुरुआत की राजनीति से देख रहे हैं, शुरुआत की राजनीति के राजा भैया, अब की राजनीति के राजा भैया, क्या अंतर है? हमारा ख्याल कुछ नहीं, अच्छा बल्कि और परिपक्व हुए हैं, बचपन होता है ये सब कहीं, और इस समय वो राजनीति के बड़े परिपक्व माहिर हैं, और उनको हमारे क्षेत्र की हर जात की जनता बिल्कुल भगवान की तरह मानती है।
अच्छा मैं एक बात जोड़ूंगा, अमूमन मैंने जब बात करी अक्सर यहाँ पर कई यादव लोग थे और कई बाद में लोग अगर उन्होंने कहा मैं मौर्य हूँ ये हूँ, खैर जातिवाद हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं लेकिन चुनाव में जाति की बिना बात नहीं होती। भाई साहब और आ गए बढ़िया सूट बूट में, आइए इधर। नमस्कार। नमस्कार, मुझे बड़ी बड़ी आपकी, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी, आशीष जी गुलशन यादव जिता रहे नहीं जिता रहे हैं? नहीं नहीं कतई नहीं, हम लोग गुलशन यादव का कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। अखिलेश भैया आए थे? अखिलेश भैया आए थे। अखिलेश भैया को हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कुंडा ने जब अखिलेश भैया की कुंडी खोली थी तो वो मुख्यमंत्री थे और जब से कुंडा ने कुंडी लगाई वो कभी मुख्यमंत्री नहीं हो पाए और बिना कुंडा के कुंडी खोले वो मुख्यमंत्री कभी हो भी नहीं पाए। ऐसा है क्या भैया? वो कभी नहीं हो पाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। जब तक कुंडा का सहयोग था उनके साथ वो मुख्यमंत्री हुए, और खुद के बना के खाने में और किसी की परोसी हुई थाली खाने में बड़ा अंतर होता है, इसलिए अखिलेश जी को ये ज्ञान नहीं है। किसने थाली परोसी थी? माननीय नेताजी की परोसी हुई थाली थी जिसको अखिलेश जी खाए, और अखिलेश जी के अंदर खुद के अंदर ये हुनर नहीं है कि वो अपना खाना बना करके और फिर से वो मुख्यमंत्री। अच्छा, आशीष जी मैं एक बात करूंगा, जब मैं यहाँ कई लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग नेताजी के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, नेताजी आदरणीय है, उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव जी, उनके प्रति आप लोग क्यों इतना सम्मान नहीं है, क्यों नहीं है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो किसी के पिता के अंदर गुण हों उसके पुत्र के अंदर भी गुण हों, और हमको तो लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताजी को ऐसा पुत्र अखिलेश जी जैसा पुत्र मिला। इसलिए कि इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नेताजी ने अभी कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक विरोधियों के लिए नहीं किया था जो अखिलेश जी कर रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री की गरिमा के खिलाफ है, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी गरिमा के ये खिलाफ है, उनको शोभा नहीं देती है। मतलब यहाँ की जनता जो गुलशन यादव जी का स्टेटमेंट आया था उसको लेकर नाराज है, परसों आप लोग वोट डालने जाएंगे, लगभग 5 बज चुका है और प्रचार भी समाप्त हो गया है, तो परसों क्या करने वाले हो आप साहब? आरी पे जीतेंगे, बाबा का जल चढ़ाएंगे। ये मेरे साथ कान फट जाएगा हमारा, रुको यार, ये हमारे साथ कुंडा की जनता थी और काफी व्यापक होकर बात करी, यादव जी ने पूरा जम दिखाया अपना। आप सब देख रहे थे रात धर न्यूज, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।